महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां पर एक निजी बस ने चोरों ने सीट पर रखा नोटों से भरा बैग गायब कर दिया। दरअसल अमरावती से पुणे जा रही बस में व्यापारी राजू ढाबे पर खाना खाने उतरा, उसी बीच अज्ञात चोरों ने बस में व्यापारी की सीट से करीब 80 लाख रुपए का कैश लेकर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अकोला के एसपी संदीप घुगे ने जांच LCB को सौंपी। चोरी के मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के धार जिले के खैरबा गांव से आरोपी विनोद चौहान से पूछताछ की। आरोपी विनोद ने अपने साथी के साथ मिलकर 80 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने इस बात को कबूला भी है। LCB ने आरोपी के पास से 79 लाख कैश बरामद करते हुए विनोद को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। दिनांक 26 नोव्हेंबर रोजी अमरावतीवरून एक ट्रॅव्हल बसमध्ये प्रवासी करत असलेले व्यक्तीकडून साधारणतः 80 लाख रुपये कॅश हे त्यांची चोरीला गेली होती। त्या ठिकाणी पातूर पोलिसांनी तिथे आपण गुन्हा दाखल केला चोरीचा, कलम 379(2) आणि त्यानंतर ताबडतोब आपण तपासात सुरुवात केली। यामध्ये आपल्याला आरोपी निष्पन्न झाला आणि आरोपीला आपण ताबडतोब ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून जवळपास 79 लाख एवढी आपण कॅश रिकवर केलेली आहे। अधिकचा तपास चालू आहे, यामध्ये आणखी किती आरोपी आहेत, त्यामागचा आणखी उद्देश काय आहे, याबाबत सखोल तपास पुढे चालू आहे।